बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको आलू मेथी बनाना सिखा रही हूँ। ये मुझसे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट की जा रही थी, तो इसके लिए आप सूखी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर फ्रेश मेथी इस्तेमाल करना चाहें तो आप 1 कप से 1.5 कप तक मेथी के पत्ते तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको बाकी के चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। 1/2 किलो आलू लिए हैं मैंने, छोटे साइज़ के आलू लेके, और उनको गोल गोल काट लिया है पतले पतले टुकड़ों में, और पानी के अंदर हमने इसको भिगोया है ताकि ये काले ना हो। 1 कप लाल लाल टमाटर हमने चॉपर में चला लिए हैं, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, बहुत बारीक चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी, सूखी मेथी जिसको कहा जाता है, और आप इसकी जगह फ्रेश मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4-5 हरी मिर्चें हम पतली वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप मोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3/4 चाय का चमचा इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च है। मुझे ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा लाल रंग पसंद है, इसलिए पिसी हुई मिर्च डाल रही हूँ, वरना आप 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 3/4 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और ये ताज़ा कुचला हुआ अदरक और लहसुन है, दोनों मिला के 1 टीस्पून में भर के ले रही हूँ। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1/4 कप। सबसे पहले ऑयल को गर्म करके हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, साथ ही कुचला हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट देंगे इसे। अब इसके अंदर ये पिसे हुए टमाटर डालेंगे, और अब साथ ही साथ हम इसके अंदर तमाम मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च। टमाटरों के साथ ही मीडियम फ्लेम पे हम तमाम मसाले भूनेंगे। मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। अच्छे तरीके से आलूओं को मसाले के साथ हम भूनेंगे। आलूओं को 2-3 मिनट अच्छी तरह मसाले के साथ भूनने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल दूंगी। इसे एक जोश आने देंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम इतनी देर पकाएंगे कि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। आलू पकते हुए दरमियान में ही 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर ये मेथी धो के रखी है मैंने, ये डाल रही हूँ। और अगर आप इसके अंदर फ्रेश मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आलूओं के साथ ही डालेंगे। ये हरी मिर्चें भी चली जाएंगी इसके अंदर, मिक्स कर देते हैं, और बस 2-4 मिनट इनको और पकाना है, क्योंकि आलू जो हैं वो तकरीबन गल गए। आलू मेथी हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर ग्रेवी या मसाला आपने कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमारे मज़ेदार आलू मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसे पूरी, चपाती या राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ग्रेवी जो है वो गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मिर्चें भी आप इसके अंदर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो इसकी एक तस्वीर लेके मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स में मुझे मैसेज में सेंड कर दिया करें, तो मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट कर दूंगी। तो इससे दूसरों को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि ये रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अपने कमेंट्स में अपने सजेशन और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।